गुड इवनिंग फ्रेंड्स गुड इवनिंग फ्रेंड्स चलो फिर इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड अप टू पॉइंट नंबर ट्वेंटी फाइव इन इन इक्वालिटीज एंड डू यू रिमेंबर याद है ना कुछ लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार देख रहे हैं मुझे याद हो ना मैं कौन हूँ नहीं मतलब चेहरा होगा तो याद रहेगा ना चलो पॉइंट नंबर ट्वेंटी सिक्स ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करें इफ अल्फा एंड बीटा आर द roots ऑफ चलो तो सब लोग ध्यान दो यहाँ पे फटाफट कंप्लीट करना है अपने को ये ठीक है आज अगर लगा तो अपन वन आवर का ही लेक्चर लेंगे सिर्फ अगर रहा एनर्जी रहा तो उसके आगे भी कंटिन्यू करें क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है ठीक है बट देखते हैं अपन वन आवर तो मिनिमम हाँ कुछ लोग तो ऐसा दिखा रहे जैसे कि कितनी चिंता है ना जगह नहीं 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 ना सर है ओके इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दिया हुआ है आपको जिसमें अल्फा एंड बीटा ये रूट्स है तो बताओ बच्चों अल्फा प्लस बीटा ये क्या रहता है सम ऑफ रूट्स एंड अल्फा बीटा क्या रहता है ऑब्वियसली समझ रहे हैं ना ये है सम ऑफ रूट्स एंड अल्फा बीटा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा क्या है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट तो बता बच्चो यह अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है अच्छा अगर इक्वेशन ए एक्स स्क्स होता तो सम ऑफ समूट क्या होता प्रोडक्ट ऑफ ऑफ क्या होता एंड सम माइनस बी बाय सही बोल रहा हूं मैं गलत फॉर्मूला बता रहा हूं सम ऑफ रूट क्या है माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी बाय बच्चों एक बार ऑनलाइन वाले बच्चों कंफर्म कर दो मेरे भाई करेक्ट yes, है ना तो बोलो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है सी बाय ऐसा होता है फॉर्मूला जस्ट अपने नॉलेज के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं तो टेल मी टेलमीज ट्वेल्व बाई थ्री आंसर इज फोर एंड सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई माइनस बी बाई तो आंसर इज माइनस सेवन बाई थ्री इज समूट तो चलो बताओ बच्चों आपको अल्फा बीटा का वैल्यू पता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है बट एग्जाम में हो सकता है कि आपको वो ये पूछे ही नहीं वो बोलेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर तो हम अल्फा एंड बीटा का इंडिविजुअल वैल्यू नहीं जानते बच्चों एंड इंडिविजुअली वैल्यू अगर जानना है ना तो अपने को फिर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा उसके रूट्स फाइंड करना पड़ेगा ये और कॉम्प्लिकेटेड होगा बट हमें तो फास्ट आंसर चाहिए भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर तो हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जानते हैं अल्फा बीटा का वैल्यू जानते हैं बट हम कौन सा वैल्यू नहीं जानते अल्फा का सेपरेटली नहीं बीटा का सेपरेटली वैल्यू नहीं तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्तर का आंसर रहेगा अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट ब्राकेट माइनस टू अल्फा बीटा ये इसलिए तो मैंने सारे फॉर्मूले बेसिक से बताए थे बच्चों आपको तो बोलो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट मतलब का स्क्वेयर कितना आता है ये फोर्टी नाइन बाय नाइन आता है कि नहीं माइनस टू अल्फा बीटा तो टू इंटू फोर बराबर है क्या तो टेल मी इज इट फोर्टी नाइन बाय नाइन माइ फ्रेंड्स नहीं समझा आपको फोर्टी नाइन बाय नाइन का मेरे भाई वो था माइनस सेवन बाय थ्री का स्क्वेयर था या नहीं माइनस टू अल्फा बीटा ये तो समझा अभी फोर्टी नाइन बाय नाइन माइनस क्या है बोलो एट अच्छा एट की जगह यहाँ पे मुझे डिनोमीटर में नाइन लिख रहा है तो ऊपर सेवेंटी टू कर दू क्या नहीं समझा आपको सेवेंटी टू बाय नाइन मतलब एट ही ना भाई तो बोलो फोर्टी नाइन माइनस टू कितना था माइनस ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाय नाइन आपको लगता नहीं सर मैं ऐसे नहीं करूंगा जैसे करना करो आंसर तो यही रहेगा बोलेगा नहीं सर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा ये करूंगा वो करूंगा समझा क्या आंसर तो यही रहेगा ना यस और नो चलो नेक्स्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो आप बताइए इसका फॉर्मुला ऐसा रहेगा क्या अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा डू यू एग्री तो बोलो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब कितना है माइनस सेवन बाय थ्री का क्यूब बताओ कितना था क्यूब माइनस थ्री इंटू अल्फा बीटा कितना है बच्चों फोर इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस सेवन बाय थ्री टोटल सेवन बाय थ्री का क्यूब कितना था माइनस थ्री फोर्टी थ्री डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सेवन अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या प्लस हाँ बोलो थ्री इंटू फोर इंटू सेवन पहले वो बताओ कितना थावन कितना था एटी फोर तो एटी फोर बाय क्या आएगा थ्री एटी फोर बाय थ्री आएगा ना बच्चों एट्टी फोर बाय थ्री आ रहा है एक काम करो एट्टी फोर को आप नाइन से मल्टीप्लाई करो एट्टी फोर को नाइन से मल्टीप्लाई करो सेवन फिफ्टी सिक्स डिवाइड बाय थ्री था ना तो थ्री को भी नाइन से मल्टीप्लाई करो क्या है ट्वेंटी सेवन तो मैंने ऐसे क्यों किया समझा ना आपको चलो एक काम करो अभी माइनस थ्री फोर्टी थ्री प्लस सेवन फिफ्टी सिक्स बताओ कितना था सेवन फिफ्टी सिक्स माइनस थ्री फोर्टी थ्री आंसर इज 413 वन थ्री डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सेवन इसको और सिंप्लीफाई होता है तो करो नहीं तो छोड़ दो वेदर इज फोर वन थ्री बाय ट्वेंटी सेवन फोर वन थ्री बाय ट्वेंटी सेवन इज द आंसर चलो नेक्स्ट अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वेयर ये कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वेयर अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस फोर अल्फा बीटा माइनस बोलो फोर अल्फा बीटा तो बोलो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस सेवन बाय थ्री का स्क्वेर लिखो क्या डायरेक्ट फोर्टी नाइन बाय नाइन फोर इंटू बीटा फोर इंटू फोर कितना है सिक्सटीन टोटल माइनस इज इट वन फोर्टी फोर बाय नाइन नहीं समझा आपको क्या कर रहा हूं अरे वो सिक्सटीन को नाइन से मल्टीप्लाई किया एंड नीचे नाइन लिख दिया तो आप बताओ फोर्टी नाइन माइनस वन फोर्टी फोर कितना था बच्चों माइनस नाइनटी फाइव बाय नाइन 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 कैंसिल बस उतना ही जिंदगी में सुनना बाकी अभी आंसर इज़ पक्का क्या बच्चों यही आंसर है यस <coughs> <coughs> yes. अब एक इंपॉर्टेंट डाउट आए ये बैच कब खत्म होने वाली है चलो वेद आंसर इज माइनस नाइन्टी फाइव बाय नाइन समझा गया सबको नेक्स्ट अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा स्क्वेयर प्लस बोलो बीटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा डिवाइडेड अल्फा बीटा अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा तो बोलो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर का आंसर क्या है बोलो माइनस ट्वेंटी थ्री बाय नाइन एंड अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है बोलो फोर विद आंसर इज फोर टोटल टेल मी माइनस ट्वेंटी थ्री बाय नाइन इन ये नीचे एज गुड एज फोर बाय था ना तो ऊपर आके क्या हो जाएगा ये वन बाय फोर मी विद आंसर इज माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बाय थर्टी सिक्स सही है चलो नेक्स्ट बोलो क्या है गाई? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा तो बोलो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या वैल्यू है जल्दी बताओ फोर वन थ्री डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाय अल्फा बीटा का क्या वैल्यू है फोर तो डिवाइड बायोर बाय वन तो आंसर क्या होगा बोलो फोर वन थ्री डिवाइड बाई ट्वेंटी इंटू फोर का क्या आंसर है ट और सिंपलीफाई होता है तो करो नहीं होता है तो छोड़ दो फोर वन थ्री बाय जीरो बच्चों ये नेक्स्ट अल्फा स्क्वे बीटा प्लस बीटा स्क्वेयर अल्फा तो आप बताओ इसमें मैं अल्फा बीटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा अल्फा प्लस बीटा तो बोलो अल्फा बीटा का क्या वैल्यू है मेरे भाई फोर अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू है माइनस सेवन बाई थ्री टोटल इज माइनस ट्वेंटी एट बाई थ्री वेदर आंसर इज माइनस ट्वेंटी एट बाई थ्री टफ थे बच्चों ये क्या ना इसे अल्टीमेटली अपने को ये सब फॉर्मूले पता है तो इट्स वेरी इजी थिंग उसके बाद में सिर्फ कैलकुलेशन करने का ही काम बचेगा ना यस और नो नेक्स्ट बी स्क्वेयर माइनस फोर का वैल्यू जब भी जीरो रहेगा बी स्क्वेयर माइनस फोर क्या रहेगा जीरो तो अब बताओ बच्चों सुन रहे हो क्या मेरे भाई <coughs> एक मिनट अच्छे से सुनो ये कंसेप्ट कैसे याद करते देखे अब बताओ आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट क्या होता है माइनस बी प्लस 4 AC, 2A, दूसरे प्लस के जगह माइनस हो जाता है।, तो अब ये, दोनों आंसर का कोई चांस है क्या है अगर सी जीरो क्योंकि एक बार प्लस जीरो होगा एक बार माइनस जीरो होगा तो आंसर को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बट अगर जीरो छोड़ के कुछ भी रहेगा बी स्क् माइनस फोर एसी का वैल्यू तो दो आंसर तो अलग अलग ही रहेंगे ना दो आंसर तो अलग अलग ही रहेंगे समझा क्या अच्छा सुनो

या उसको और क्या बोलते हैं इमेजिनरी क्या बोलते हैं उसको अब बताओ बाकी कहीं पे भी बी स्क्र माइनस फोर एसी जीरो या मतलब रूट क्या रहेंगे वो तो पता नहीं है बट एक चीज कंफर्म है रियल रियल रहेंगे दो तो तीनों जगह पे मैंने रियल लिख दिया यस और नो अब बता बच्चों जब भी बी स्क्र माइनस फोर ए एक परफेक्ट स्क्वेयर रहेगा थर्टी सिक्स रहेगा एटी वन रहेगा तो क्या होगा प्लस सिक्स होगा एक बार और दूसरी बार

तो रूट्स आर गोइंग टू बी बोलो अनइक्वल रूट्स आर गोइंग टू बी अनइक्वल समझा ये टेबल बनता कैसे है यस और नो तो अब बोलो वेन एवर बी स्क्वेयर माइनस फोर एस इज जीरो रूट्स आर रियल रैशनल इक्वल अब आपको ये साथ में याद चाहिए समझा क्या वेन बी स्क्वायर माइनस फोर एस इज जीरो बताओ रियल रैशनल इक्वल बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इज निगेटिव कॉम्प्लेक्स बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इज पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर रियल रैशनल अनइक्वल पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रियल इनल अन इक्वल रियल इशनल अन इक्वल आई होप यू आर गेटिंग समझा है तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट नंबर ट्वेंटी एट आप बड़ी आसानी से कम्प्लीट करोगे करोगे कि नहीं बी स्क्र माइनस फोर एसी का वैल्यू दिया है एंड आपको नेचर ऑफ रूट पूछा है बच्चों इस yes. बोलो फिर अभी ट्वेंटी के एट के केस में क्या रहेगा ये लिखा क्या आपने आराम से लिख रहे हो क्या यस yes. ठीक है चलो बोलो ट्वेंटी के एट के केस में क्या रहेगा रियल इरेशनल अनइक्वल रियल इरेशनल अनइक्वल ऐसा आंसर रहेगा क्या रियल इरेशनल अनइक्वल एनी डाउट माय फ्रेंड्स यस और नो बोलो सेकंड केस में आंसर क्या रहेगा ट्वेंटी फाइव रियल रैशनल अनइक्वल रियल रैशनल अनइक्वल डू यू एग्री ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है क्या रियल रैशनल अनइक्वल इक्वल चलो थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स आर बोलो कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर्स रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स है या इमेजिनरी नंबर है वेन बी स्क्र माइनस फोर इसी इज निगेटिव जीरो रूट्स आर रियल रैशनल रियल रैशनल एंड इक्वल सही है बच्चो क्योंकि बी स्क्र माइनस फोर इसी जीरो है नेक्स्ट थर्टी फाइव बोलो रियल इेशनल अनइक्वल। रियल इेशनल अनइक्वल। सही है क्या मेरे भाई टफ है क्या सब सिक्सटी फोर क्या है बोलो सिक्सटी फोर परफेक्ट स्क्वेयर है तो आंसर क्या रहेगा रियल रैशनल अनइक्वल परफेक्ट स्क्वेयर है तो रियल रैशनल अनइक्वल टफ है बच्चों ये सब सेवन ट्वेंटी नाइन परफेक्ट स्क्वेयर है क्या तो आंसर क्या रहेगा रियल रैशनल अनइक्वल सही है देन माइनस थर्टी फाइव कॉम्प्लेक्स और इमेजिन नेगेटिव नंबर में तो कुछ भी रहने दो इट इज कॉम्प्लेक्स इमेजनरी माइनस जीरो बोलो रियल रैशनल इक्वल अरे माइनस जीरो मतलब जीरो ही मेरे भाई माइनस जीरो मतलब होता है क्या ऐसे कोई नंबर वो जीरो ही होता है बराबर है या नहीं है तो क्या आंसर है उसका बोलो रियल रैशनल इक्वल रियल रैशनल इक्वल इज आंसर आई होप एवरी वन इज अंडरस्टैंडिंग दिस समझा बच्चों तो अगर आपको बी स्क्र माइनस फोर एसी का वैल्यू कभी कभी ये बी स्क् माइनस फोर एसी का वैल्यू डायरेक्टली नहीं देंगे वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे एंड पूछेंगे नेचर ऑफ रूट्स तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम बी स्वेर माइनस फोर एसी का वैल्यू फाइन लेनासी का वैल्यू आ जाएगा तो रूट्स नेचर ऑफ रूट्स पता चल ही जाएगा ना भाई टफ है क्या ये एवरी वन इज कंफर्टेबल विद दिस ओके अब इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल कभी कोई एमसीक्यू में ऐसा आएगा रूट्स आर इक्वल तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए रूट्स इक्वल है मतलब बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी जीरोगा आप तो अभी आपने बताया बट बत ये यहां पे मैं किस एंगल से बता रहा हूं रूट्स इक्वल है बट वो कै, कैसे रहेंगे क्वेश्चन में ना एक, एक जगह पी रहेगा समझ रहा है कि आपको ए? या रहेगा कुछ तो पी ऐसा कोई वैल्यू मिसिंग रहेगा वो मिसिंग वैल्यू फाइंड करना रहेगा आपको तो आपको बी रूट इक्वल बोलते है दिमाग में क्या घुसना चाहिए बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन रूट आर इक्वल मतलब एक रूट फाइव है तो दूसरा माइनस फाइव है तो उस केस में बच्चों सम ऑफ रूट्स क्या आना चाहिए बोलो जीरो मतलब माइनस बी बाई एक क्या आना चाहिए जीरो माइनस बी जीरो आएगा जब बी जीरो है तो याद रखो रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन बोलते ही दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए बी इज इक्वल टू जीरो इसका लॉजिक समझा क्या रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन मतलब एक रूट फाइव है तो दूसरा माइनस फाइव है एक एट बाय फाइव है तो दूसरा माइनस एट बाय फाइव है एक टू बाई थ्री है तो दूसरा माइनस टू बाई थ्री है एक टेन है तो दूसरा तो सम ऑफ रूट होगा समाप रूट का क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए तो माइनस बी बाय ए जीरो होगा तो माइनस बी बाई ए कब जीरो B B कुछ गया दिमाग में नेक्स्ट वेन रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ अदर तो अब बताओ बच्चों रूट्स रेसिप्रोकल है तो एक रूट फाइव बाई थ्री है तो दूसरा थ्री बाय फाइव एक थ्री बाय टेन है तो दूसरा टेन बाई थ्री एक फाइव है तो दूसरा वन बाय फाइव तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वन आएगा

आई होप यू अंडरस्टूड दिस चलो नेक्स्ट इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बोलो देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेर एंड अल्फा माइनस बीटा स्क्वेयर इज क्वेश्चन सॉल्व करना है आराम से सॉल्व करेंगे अच्छा आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एंड पूछा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है नहीं समझा आपको अच्छा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है उसके रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा प्लीज प्लीज बाद में देखो ध्यान दो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है उसके रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स रहेगा तो जो इक्वेशन दिया है उसका सम ऑफ रूट्स क्या है माइनस सेवन बाय वन मी इज इट माइनस सेवन एंड जो इक्वेशन दिया है उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा क्या रहेगा बोलो ट्वेल्व बाय वन तो इज इट ट्वेल्व समझो आपको अब बताओ ये अगर सची में ऐसा आ रहा है तो आप मुझे बताओ अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वायर का जस्ट वैल्यू बताओ क्वेश्चन को बाद में जाने दो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस टू अल्फा बीटा तो बोलो इज इट माइनस सेवन का स्क्वेयर माइनस बोलो टू इंटू ट्वेल्व तो फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी फोर इज इट ट्वेंटी फाइव और नो और क्या है बोलो अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्र इसका क्या फॉर्मूला बच्चों अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट माइनस फोर अल्फा बीटा तो बोलो अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्त कितना था? का अल्फा बीटा कितना है ट्वेल्व तो फोर्टी नाइन माइनस फोर्टी एट आंसर क्या है एक काम करो ये देन के आगे का क्वेश्चन वापस पढ़ो हाँ बोलो देन के आगे का क्वेश्चन वापस पढ़ो ना बच्चों हाँ आराम से आराम से हाँ बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे पढ़ो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ट्वेंटी फाइव कॉमा वन इज ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं बताओ अब राष्ट्रीय वन कहां से लाए समझा आपको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज रूट्स आर ट्वेंटी फाइव कॉमा वन इज कोई टफ काम है क्या क्या फॉर्मेट याद है क्या आपको ओके एक्सक्वेर माइनस सम ऑफ फ्रूट इसका प्रूफ भी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में बट ये इक्वेशन है कि नहीं बताओ इंटू एक्स प्लस बोलो प्रोडक्ट ऑफ इनफैक्ट मैंने आपको सबसे शुरुआत में स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के ये लिख के दिया रहेगा यस और नो एक्स स्क् माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो प्लस वन इंटू एक्स प्लस बोलो 25 फाइव इंटू मतलब हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाया जिसका एक रूट है अल्फा बोलो स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड दूसरा है अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर मतलब वो इक्वेशन लाया जिसके रूट्स आर 25 एंड 1 तो आंसर इज बोलो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो समझा आप सबको ये लिख के लो लिख रहे हो क्या भाई Quadratic equation whose roots are alpha square plus beta square and alpha minus beta bracket square is. We answer Answer is x square minus 26x plus 25 is equal to 0 x square minus 26x plus 25 is equal to 0 is the final answer. have hai bachho. ओके okay. नीचे एक माय नोट्स में क्वेश्चन दे रहा हूँ आप करेंगे सॉल्व ये पूरा क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे बच्चों क्या क्वेश्चन है आप देख रहे हो क्या इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एग्जाम में अल्फा बीटा की जगह पी क्यू आए तो आउट ऑफ सिलेबस इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x2 2x 7 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वेर बाय अल्फा ये सोचो ये ऊपर का क्वेश्चन हो गया ना सबका सॉल्व ये साथ में सॉल्व करेंगे हम लोग बोलो ये जो क्वार्टर की इक्वेशन मैंने आपको दिया है उसके रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा तो उसके अंदर अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या आएगा आप ही बताओ सम ऑफ रूट्स टू बाय थ्री यहां तक किसी को डाउट है क्या अल्फा बीटा क्या आएगा बताओ सी बाई मतलब सेवन बाय थ्री चलो बच्चों यहां तक तो समझा ही रहेगा चलो बोलो क्वेश्चन क्या पूछा है बोलो एक बार जरा अल्फा स्क्वेयर प्लस सॉरी बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वेयर बाय अल्फा तो टेल मी इज इट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा यहां तक तो समझे क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला ये है क्या बताओ अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एन डिवाइड बाई अल्फा बीटा तो एज इट इज है यस और नो कुछ जाता है दिमाग में मेरे भाई बोलो फिर ये अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब मतलब टू बाय थ्री का क्यूब क्या आएगा एट बाय ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री इन अल्फा बीटा कितना है बोलो सेवन बाय थ्री अल्फा प्लस बीटा कितना है टू बाय थ्री डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा अल्फा बीटा कितना है मेरे भाई सेवन बाय थ्री चलो बोलो टू बाय थ्री का क्यूब कितना था? जल्दी बताओ एट बाय ट्वेंटी सेवन माइनस हाँ बोलो थ्री इंटू सेवन इंटू टू कितना है ट्वेंटी टू आता है ना फोर्टी टू नाइन आ रहा है ना बच्चो फोर्टी टू बाई नाइन एक काम करो फोर्टी टू को थ्री से मल्टीप्लाई करो वन ट्वेंटी सिक्स By 27. मैंने ऐसे क्यू किया समझा रहेगा शायद ये सर नो सेवन बाय थ्री एक काम करो दोनों को न्यूमरेटर डिनोमीटर को नाइन से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है सिक्सटी थ्री बाय ट्वेंटी सेवन इज इट क्लियर माई फ्रेंड्स बोलो एट माइनस वन ट्वेंटी सिक्स कितना आता है माइनस वन वन एट डिवाइडेड बाय सिक्सटी थ्री क्यू ट्वेंटी सेवन का आ गया न्यूमरेटर डिनोमीटर को ट्वेंटी सेवन से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने वो मल्टीप्लाई मुझे करना था इसलिए हर जगह ट्वेंटी सेवन लाया ना मैं करेक्ट है आप आपको नहीं सर मुझे ऐसा नहीं करना है जैसे करना है करो जो तुम कैलकुलेशन के साथ तुम कंफर्टेबल हो वैसे करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है वो करो समझता है क्या वेदर आंसर इज माइनस वन वन एट बाई सी थ्री गया दिमाग में नेक्स्ट अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वे माइनस फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल जीरो फाइंड द वैल्यूज ऑफ बताओ करना है कैलकुलेशन ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ पहला क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स है क्या मेरे भाई बोलो फिर सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला जानते हो क्या क्या होता है सम ऑफ रूट्स माइनस बी आंसर इज माइनस माइनस तो टेल मी वेदर आंसर इज टू समझा क्या अल्फा बीटा मतलब क्या रहता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो तुम बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा सी बाय तो टोटल मीज इट माइनस वन बाय टू तो ये अल्फा बीटा का वैल्यू एंड अल्फा प्लस बीटा ये दो तो वैल्यू समझे आपको तो अब बचे हुए वैल्यू तो बस फॉर्मूला से आंसर लाना है ना करो फिर आप सॉल्व अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साथ साथ में मुझे भी गाइड करो बोलो फार्मूला अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस तू अल्फा बीटा अभी देखो बच्चों आपने कुछ सॉल्व करना चाहिए यही रिवीजन का पर्पज है मैंने एक क्वेश्चन लिया तो अभी तुरंत तुमने यहां पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना बोलो फिर अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर कितना आता है टू का स्क्वायर कितना है फोर, टू इन टू माइनस वन बाई टू टोटल तो मेज इट फोर प्लस वन आंसर इज फाइव टफ था ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आंसर दो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा बोलो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब कितना अल्फा प्लस बीटा टू का क्यूब कितना है थ्री टू अल्फा बीटा कितना है माइनस वन बाई टू इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है टू सही है क्या मेरे भाई टोटल इट एट प्लस क्या आए गए एट प्लस टू टू कैंसिल होगा गया थ्री आ है ना वो एट प्लस थ्री आंसर इज इलेवन टफ है बच्चों ये फाइनल इज इलेवन एट प्लस थ्री इट इलेवन चलो नेक्स्ट अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट क्यूब क्या रहेगा बोलो ब्रैकेट स्क्वेयर है ना तो टोटल मीज इट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस फोर अल्फा बीटा तो बोलो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वेयर मतलब इज इट माइनस फोर इंटू अल्फा बीटा कितना है माइनस वन बाई टू तो में फोर प्लस टू। विद ये। नेक्स्ट, बोलो, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा अच्छा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ऊपर सोल्व किया क्या अपन ने कहीं किए क्या आंसर है इलेवन बाय अल्फा बीटा कितना है माइनस वन बाई टू टी टू माइनस ये टू ऊपर गया मल्टीप्लाई हुआ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आएगा क्या बच्चों अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा तो बोलो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर कितना था बच्चों फाइव डिवाइडेड बाय माइनस वन बाय टू आंसर इज आंसर इज माइनस टेन तो आंसर इज माइनस टेन आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस फाइनल आंसर इज माइनस टेन कुछ गया दिमाग में एकदम अच्छे से नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है बोलो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू वन वेर ए इज क्या है बोलो एक्स इंटरसेप्ट ए क्या होता है एंड बी क्या होता है वाई इंटरसेप्ट ऐसे पढ़ाएगा कभी बट अभी अगर आप आईसीआई स्टडी मेरे ओपन करके देखोगे तो आपको ऐसा कोई फॉर्मूला दिखेगा ही नहीं ऐसे फिर क्यों सिखा रहे हो क्योंकि पूछते एग्जाम में और ऐसे ऐसे कैसे पूछते पूछते प्लस वाई बाई बी टू वन इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन अच्छा एक मिनट ध्यान दो मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे तो मुझे बताइए कौन सा एक्सिस है एंड ये थोड़ा कंफ्यूजन नहीं है ना मुझे कुछ भाई थोड़ा इधर तो कोई तो गाइड कर लेना मुझे प्लीज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिख रहा है ये कोई लाइन है अच्छा ये जब तक कोई लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को पैरेलल नहीं है तब तक वो दोनों एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी कहीं ना कहीं तो समझो ये पॉइंट है ए कॉमा जीरो तो इसको बोलते एक्स इंटरसेप्ट एंड ये पॉइंट क्या है बोलो जीरो कॉमा बी तो ये बी इज द वाई इंटरसेप्ट वो बी का वाली निगेटिव भी रह सकता है अगर वो बी नीचे रहेगा तो उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता समझता है क्या अपना इक्वेशन वही है एक्स बाई ए प्लस वाई बायल टू वन तो जो लाइन जहां पे एक्स एक्सिस को जाके कट करेगी समझो माइनस थर्टी में भी कट करेगी माइनस थर्टी को हमारा जीरो तो एक्स इंटरसेप्ट इज माइनस थर्टी एंड वाई एक्सिस को जाके माइनस एटी में कट करेगा तो माइनस द वाई इंटरसेप्ट तो लाइन एक्स एक्सिस को जहां कट करता है उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं एंड वाई एक्सिस को जिस पॉइंट में जाके कट करता है उसको क्या बोलते हैं

समझता है आपको ये? तो अगर मैंने आपको एक्स दिए, तो यू कैन फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन दिया तो यू कैन एक्स इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट कैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले लिख के कहां गंदा पेन इधर उधर घूमता रहता है तुम तो मुझे इधर बैठ के कैसे रहा है ओके व्हाट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो X by a plus y by b is equal to one वन अगर कुछ काम करना है उधर बैठने मुझे दिखता ही नहीं टेंशन नहीं समझ रहा है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज बोलो x a a y b x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट सही है बच्चों मुझे बताओ लेंथ ऑफ अ सेगमेंट ड्रॉन लेंथ ऑफ अ सेगमेंट ड्रॉन बिटवीन द पॉइंट एक्स वन एंड एक्स टू अच्छा दो मिनट के लिए मान लो अगर ये अपने को समझने के लिए लेट से ये कौन सा एक्सिस है भाई वाई वेरी गुड एंड ये कौन सा एक्सिस है एक्स एक्सिस तो समझो एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन वाई वन क्या कॉर्डिनेट्स है उसके एंड समझो ये पॉइंट है क्यू क्या पॉइंट है वो जिसके कोऑर्डिनेट्स है बोलो एंड देखो बोलो एक्स टू तो वाई टू तो नेगेटिव भी रह सकता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं रहेगा तो एंड समझो आपको ये फाइंड करना लेंथ ले क्यू कितना है क्या फाइन करना है लेंथ ऑफ सेगमेंट है PQ क्या है वो लाइन नहीं है क्योंकि पी एंड क्यू पे रिस्ट्रिक्ट हो रहा है ना वो तो अगर आपको लेंथ ऑफ करना है तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है है या नहीं है एंड वो फॉर्मूला है बोलो आप ही बताओ अंडर रूट हाँ बोलो क्या फॉर्मूला है वाई टू रहेगा सर कुछ तो रहेगा आप लिखो वाई टू माइनस वाई वन ब्रैकेट स्कोर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट्स अब ट x1 की जगह लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर तो वही आएगा स्क्वन माइनस नाइन का स्क्वायर करो या नाइन माइनस सेवन का स्क्वायर करो यार आंसर तो ये आएगा ना तो अंडर रू टू माइनस वाई वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट स्क्वायर इज लेंथ ऑफ अ सेगमेंट ड्रॉन बिटवीन द पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू कुछ गया दिमाग में लेंथ ऑफ़ अ सेगमेंट ड्रॉन बिटवीन द पॉइंट ऐसा कुछ पे केस नहीं कर सकते मेरे भाई आपन, आपन बहुत सारी और भी जानते तो है ना है बराबर है कि नहीं जानते तो है हर चीज सिलेबस में नहीं रह सकती ना बेटा है कि नहीं बहुत सारी चीजें करते उसको अपन, उसका एग्जाम देते क्या अपन कि नहीं ऐसा ठीक है ओके अब ऐसे जिंदगी में चीजें रहती है ऑब्वियसली जो अपने सिलेबस में नहीं रहते बट अपन करते है नहीं। नहीं। तो इफ एम मतलब आप क्या समझ रहे हैं, मुझे मत नहीं आप आपकी सोच उसके हिसाब से है कि नहीं जैसे मैं बोला था कि से अपन घर पे खाना खाते हैं अपने को कभी सिलेबस में सिखाया क्या कि खाना कैसे खाते सिखाया क्या हाँ कर रहे हैं ना फिर भी ठीक बाकी आपके दिमाग में जो है वो भी मैं जानते हूं है ना पता नहीं क्या क्या ओके इफ एम वन इज द स्लोप ऑफ वन लाइन एंड एम टू इज द स्लोप ऑफ अदर लाइन देन लाइंस आर लाइन टू बी लाइंस आर सेट टू बी ये क्या है पैरलर का नोटेशन है वो क्या है बोलो कब रहता है इफ एम वन इज इक्वल टू एम टू तो कब लाइंस पैरलर रहते हैं वेन स्लोप्स ऑफ टू लाइंस आर सेम इक्वल करेक्ट है अच्छा, परपेंडिकुलर कब रहतेम वन इन टू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन एंड ऑब्लिक कब रहता है ऑब्लिक मतलब, नहीं है, मतलब, उब्लीक है. उब्लीक मतलब इंटरसेक्ट कहना ऑब्लिक का वन ऑफ द केस इज परपेंडिकुलर इंटरसेट करते बट अगर इंटरसेट नाइनटी डिग्री में करते तो परपेंडिकुलर ये yes नो एंड no? सीधी सी बात है पैरल नहीं है मतलब इंटरसेट तो करेंगे ही

ट इज स्लोप ऑफ़ फर्स्ट लाइन माइनस थ्री बाय फाइव वट इज स्लोप ऑफ़ सेकंड लाइन इज स्लोप ऑफ़ सेकंड लाइन सेवन बाय के एंड क्या इन दोनों का प्रोडक्ट हैज़ बी माइनस वन क्यों ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है नहीं समझा आपको एंड अगर ऐसा है तो के का वैल्यू मिल जाएगा ना फिर तो बोलो देर फोर बोलो मेरे भाई माइनस ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाय फाइव के

ऑब्लिक के केस में हम सॉल्व नहीं कर सकते सिर्फ हम बता सकते हैं कि भाई इसका वैल्यू ये नहीं हो सकता येस और नो क्योंकि वो पैरेलल नहीं है तो क्या है इंटरसेट करते हैं बट अब वो कौन से डिग्री में इंटरसेट करते हैं वो थोड़ी पता है हमें समझता है क्या मेरे भाई कुछ जाता है दिमाग में स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस दिख रहा है क्या वेर ए कैनॉट बी जीरो ओके डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड इसे का अपने को फॉर्मूला डिराइव करना है ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग मुझे बताओ फॉर्मेट क्या एक बार वापस बताओ ए एक्स स्क्स बी एक्वल टू जीरो अच्छा डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड्स क्या आएगा बोलो बोलो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू जीरो बाय इसमें कोई डाउट है अच्छा मैं अभी ए से सेपरेटली डिवाइड कर सकता हूं क्या सबको तो क्या आएगा फिर वो बोलो एक्स स्क्स बी बाय एक्स प्लस इज इक्वल टू जीरो अच्छा मैं इसको ऐसे कर सकता हूं माइनस माइनस बी बाय टू एक्स प्लस सी बायक्ल टू जीरो ऐसे लिख सकता हूं क्या आप लोग ऐसा क्यों लिख रहे हो लेकिन ऐसे इससे हमने को अपने को दूसरा फॉर्मेट बनाने का है तो बोलो ये क्या है बोलो एक्स स्क्र माइनस माइनस बी बा ये क्या है सम ऑफ रूट्स है या नहीं ब्रैकेट के बाहर क्या बोलो एक्स प्लस सी बा क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरोक्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इन टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो कुछ जाता है बच्चों दिमाग में ज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्मैट तो अगर मैंने आपको कॉर्डर इक्वेशन के रूट्स दिए तो आप क्वारिक इक्वेशन बता पाएंगे कि नहीं अगर मैंने कॉर्डर्टिक इक्वेशन के रूट्स दिए तो आप रूट्स बता पाएंगे कि नहीं काम करो नीचे माय नोट्स में क्वेश्चन लिखो लिखेंगे क्या फाइंड क्वार इक्वेशन फाइंड क्वारिक इक्वेशन हुज रूट्स आर फाइंड क्वारिक इक्वेशन हुज रूट्स आर सेवन बाय फाइव एंड इलेवन बाय नाइनटीन करोगे बच्चों सोल्व सेवन बाई फाइव इलेवन बाई नाइनटीन ये जिसके इक्वेशन क्या रहेगा वो जानना है ओके, एक-एक सॉल्व करेंगे एंड देखते इट विल वर्क एज अ क्रॉस ध्यान दोगे बच्चों पहला वाला अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऊपर का एक्स स्क् माइनस चलो बोलो समूट बताओ सेवन बाय फाइव प्लस इलेवन बाय नाइनटीन एक्स प्लस बोलो जल्दी सेवन बाय फाइव इन टू इलेवन बाय नाइनटीन इज इक्वल टू जीरो को समझाइए टू जीरो चलो बोलो एक्सक्र माइनस बोलो इसका सम कितना था नाइनटीन इंटू सेवन कितना था वन थर्टी थ्री वन थर्टी थ्री प्लस फिफ्टी फाइव इज इट वन एटी एट वन एटी एट डिवाइडेड बाय नाइनटी फाइव एक्स प्लस 77 सेवन डिवाइड बाय नाइन्टी फाइव इक्वल टू जीरो काम करो अभी दोनों साइड को ना बच्चों दोनों साइड को आप 95 फाइव से मल्टीप्लाई करो किसे मल्टीप्लाई करो एंड 95 फाइव से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया आप ही बताओ मुझे मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आंसर आया नाइन्टी फाइव एक्स स्क्वे माइनस वन एटी एट एक्स प्लस सेवनटी सेवन इज इक्वल टू जीरो दिस इज आंसर बच्चों एंड सुनो ध्यान से रूट सेवन बाई फाइव है, है बोलो एंड सेवन बाईव है मतलब, फैक्टर्स क्या रहेंगे बताओ? अगर ये रूट से, तो फैक्टर्स क्या रहेंगे एंड बोलो एक्स इतना तो अंदाजा ही रहेगा ना? नाइनटीन एक्स माइनस इलेवन फैक्टर है मतलब एक्सो इलेवन बाय नाइन अच्छा बताओ तो क्वारिक फाइव एक्स माइनस सेवन इंटू बोलो नाइनटीन एक्स माइनस इलेवन इजिकल टू जीरो चलो करो फाइव एक्स इंटू नाइनटीन एक्स कितना था नाइनटी फाइव एक्स स्क्स इंटू इलेवन इज इट माइनस फिफ्टी फाइव एक्स माइनस नाइनटीन इंटू सेवन कितना था वन थर्टी थ्री इज इट माइनस वन थर्टी थ्री एक्स प्लस सेवनटी सेवन टू जीरो एंड देखो सेम आंसर आया कि नहीं बोलो ऐसे कहाँ सेम आंसर है सेम है कि नहीं आप ही बताओ मुझे ये आंसर सेम है कि नहीं मेरे भाई क्या आंसर है बोलो नाइनटी फाइव एक्स स्क् माइनस वन एटी एट एक्स प्लस सेवनटी सेवन इज इक्वल टू जीरो आई होप यू आर गेटिंग दिस नाइन्टी फाइव एक्स स्क्र माइनस वन एटी एट एक्स प्लस सेवनटी सेवन इज इक्वल टू जीरो मेरे भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो आप रूट्स पता कर सकते हो मैं अगर आपको रूट्स दिया तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता कर सकते हो नींद में हो क्या भाई कुछ लोग टेंशन है जिंदगी में कुछ नहीं ना टाइम है वैसे एग्जाम को टाइम है ढाई महीने और बहुत कम नहीं है बेटा ढाई महीना बहुत ज्यादा रहता है किया तो अगर कुछ बराबर है कि नहीं ढाई महीने होता है सेवेंटी फाइव डेज रोज अपन चार घंटे भी पढ़ते तो तीन सौ घंटे में पूरा एक कोर्स का पोस्टमार्टम होता है समझ है क्या पूरे एक कोर्स का पोस्टमार्टम होता है पूरा कर लिया तो समझ है क्या एंड जो बस सिचुएशन को गाली देते रहता है नाम रखता रहता है वो कभी कुछ नहीं कर सकता यानी सी फाउंडेशन नहीं कर सकता तो इंटर फाइनल में क्या करोगे है या नहीं वही व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अब वो एक होता है पॉजिटिव अप्रोच एक होता है निगेटिव अप्रोच समझता है क्या वही आपने बचपन से सुना रहेगा ना ग्लास आधा खाली है आधा भरा हुआ है पॉजिटिव इंसान को क्या दिखता है आधा भरा हुआ है निगेटिव इंसान को क्या दिखता है करेक्ट है अब रहते है कोई कुण, 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 कुण करता रहता है तुम्हें समझो कोई बोला कुई कि रोज छोड़ो रो, दो चैप्टर बचे दो चैप्टर बचे भाई तू सोला कर ले पहले दो चैप्टर में बोला कि मैं नहीं सिखाऊंगा जब सिखाएंगे तब वो तब तक उसके पहले तूने सोलह पढ़ के रखे तो समझा या नहीं उसके पहले अपन सोलह सर सोलह चैप्टर का कुछ भी पूछो सर आता है सर दो चैप्टर कब करेंगे अच्छा भी लगता है सुनने को समझा या नहीं पूछो सर इसका एंड ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ भाई मेरे दिमाग में सब कुछ रहता है अब क्या पढ़ाना है क्या नहीं है समझता है क्या आपको क्या लगता है मैं कुछ काम इंसान इंसानों लगता है क्या मुझे देखिए लगा ऐसा कुछ लगा क्या आपको समझा है क्या तो सीधी सी बात है ना कि जो वो कुछ कंप्लीट होगा ही आर यू गेटिंग दिस अपने ये सब कुछ कंप्लीट करके रखना है समस्या है क्या आपको ये जैसे वो कहानी सुननी रहेगी ना आपने आधा ग्लास भरा है आधा है। समझता है क्या तो आज वो उसके एक स्टेप जाने की जरूरत आगे जाने की जरूरत है दो हजार में वो बहुत पुरानी कहानी है बराबर है कि नहीं आज आप जैसे कि समझो एक जगह पे मैं कहीं तो सुन रहा था एक एक जन बता रहा था कि तीन समझो बच्चे है ओके समझो एक मम्मी ने बोला कि जा बेटा पांच लीटर दूध लेके आए कहीं तो जाके इधर आजू बाजू समझा क्या तो वो बॉटल या जो भी कुछ लेके जाता है पांच लीटर का लेके समझो एक इमेजनरी कहानी है बच्चों तो पांच लीटर वो मिल्क लेके आ रहा है ठीक है आते आते रस्ते में गिर जाता है तो उसमें से ढाई लीटर चला जाता है फिर है नहीं तो वो घर पे आके रोने लगता है तो मम्मी ढाई लीटर वेस्ट हो गया समझ रहा है क्या निगेटिव माइंडसेट वो ये क्यों सोच रही कि भाई ढाई लीटर बचा पाया मैं कुछ तो करके दूसरा वही इमेजिनरी कैरेक्टर दूसरा बच्चा वो उसको भी सेम आते आते गिर जाता है ढाई लीटर तो बोलता है कि मम्मी बहुत जबरदस्त काम हुआ बहुत अच्छा हुआ क्या अच्छा हुआ मम्मी गिर गया था मैं पांच लीटर राइट गिरने वाला था अब ढाई लीटर बचा लिया मैंने पॉजिटिव माइंडसेट, बट अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत है कि आ रहा है बच्चा ढाई लीटर मिल कर गिर गया समझ रहा है क्या वो कहीं जाए मेहनत करे कुछ पैसे कमाए वो ढाई लीटर जो मिल गया वो भर के निकाले नुकसान वो ढाई लीटर का बॉटल पांच लीटर का बना दे फिर घर पे आए और मम्मी को बोले कि मम्मी राइट बहुत अच्छा हुआ तो वो गिर गया था मैं बट जो भी है ढाई लीटर तो मैं कम से कम बचा पाया मम्मी अपना कुछ भी नुकसान नहीं होने दिया क्योंकि मैं ये काम कर लिया इतना पैसा कमा लिया ये ले लो पांच लीटर ये होता है प्लानिंग विद एक्शन है सिर्फ पॉजिटिव माइंड सेट एनी एक्शन इज इज कॉल्ड एज फिलोसॉफी पॉजिटिव थिंकिंग विदाउट एनी एक्शन इज नोन एज मेयर फिलोसॉफी इज नोन एज मेयर फिलोसॉफी समझता क्या इंडिया में ये ब्रिड बहुत ज्यादा है आजकल सी समझता है क्या तू कर पाएगा यस मैं कर पाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं है कि नहीं एक दिन मैं अचीव करके रहूंगा घर जाके उसको नींद से उठा के भाई फाउंडेशन आ गया इधर उधर घूम रहे जाके मोबाइल चेक करके बट उसको कभी भी पूछो भाई कर पाएगा क्या तू वो बोलेगा यस पॉजिटिव थिंकिंग बैक्ड बाय नो एक्शन पहला वाला तो सोचो ही मत नेगेटिव थिंकिंग उसका तो कुछ भी नहीं होने वाला ये दूसरे वाले का भी कुछ नहीं होने वाला समझाया नहीं तो अब जरूरत है 2023 में वो तीसरा बच्चे की समझाया नहीं अभी तक हमारी जनरेशन तक वो जो दूसरा वाला बच्चा था उससे काम हो जाता था समझ रहा है ना अब वो समय भी नहीं है समझता है एनीवे anyway, चलो पॉइंट नंबर थर्टी नाइन दिख रहा है क्या बच्चों ये थर्टी अच्छा ऊपर का बाकी है थर्टी सिक्स फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स हुआ कॉमा एट फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स हुआ कॉमा एट तो बोलो क्या रहेगा आंसर एक्स स्क्वे माइनस फाइव प्लस एट ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस फाइव इंटू एट इज इक्वल टू जीरो तो आंसर इज माइनस थर्टीन एक्स प्लस फोर्टी इज इक्वल टू जीरो कुछ गया दिमाग में चलो एक काम करता हूँ यहाँ पे और एक क्वेश्चन देता हूँ आप करेंगे सॉल्व थर्टी सिक्स में सेकंड फाइन क्वारिक इक्वेशन फाइन क्वार इक्वेशन ज रूट्स आर उज रूट्स आर p प्लस q, कौम p माइनस q. बोला आंसर जल्दी बताओ x स्क्वेर माइनस बोलो टू पी एक्स नहीं समझा आपको p प्लस क्यू प्लस बी माइनस क्यू इज टू पी प्लस बोलो सही है. roots is equal to zero. तो अब मैंने ना बच्चों roots ऑफ quadratic इक्वेशन आपको दिया हुआ है ओके okay? एंड आपको मुझे quadratic इक्वेशन बताना है चलेगा क्या अपन सॉल्व करेंगे साथ में चलो बोलो x square माइनस हाँ चलो बोलो एट एंड इलेवन का सम क्या थान एक्स प्लस बोलो एटी एट इज इट इक्वल टू जीरो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं अपन चलो नेक्स्ट एक्स स्क् माइनस इन दोनों का सम बताओ कितना है माइनस थ्री तो ये माइनस माइनस थ्री हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस थ्री एक्स हाँ बोलो माइनस नाइनटीन इंटू सिक्स माइनस थ्री जीरो फोर या प्लस थ्री जीरो फोर एक्चुअली प्लस प्रोडक्ट था बट प्रोडक्ट ही निगेटिव है सही है चलो नेक्स्ट एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी टू एक्स प्लस फोर्टी इज इक्वल टू जीरो सही है नेक्स्ट एक्स स्क्वेयर माइनस चलो बोलो इनका सम बताओ थ्री बाई एट प्लस फाइव बाई एट इज एट बाई एट मतलब वन एक्स प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ फिफ्टीन बाय सिक्सटी फोर इज इज इक्वल टू जीरो therefore आंसर इज बोलो 64 x square minus 64 x plus 15 is equal to zero सही है नेक्स्ट टू बाय सेवन एंड फाइव बाई टू हम बोलो एक्स स्क्वेयर माइनस इन दोनों का सम बताओ टू इंटू टू फोर प्लस थर्टी फाइव थर्टी नाइन बाय फोर्टीन थर्टी नाइन बाय फोर्टीन ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस बाई फोर्टीन इजिकल टू जीरो समझ रहा है क्या मेरे भाई वो थर्टी नाइन बाय फोर्टीन कैसे आया समझा क्या चलो करो दोनों साइड को फोर्टीन से मल्टीप्लाई करो फोर्टीन एक्स स्क्स एक्स प्लस टेन इजिकल टू जीरो चलो नेक्स्ट एक्स स्क्वेर माइनस बोलो इन दोनों का सम क्या है फाइव प्लस रूट थ्री प्लस फाइव माइनस रूट थ्री सम क्या आएगा टेन एक्स प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा फाइव प्लस रूट थ्री इंटू फाइव माइनस रूट थ्री फाइव का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर फाइव का आता है समझा क्या भाई 10 आया ये समझा क्या प्रोडक्ट ट्वेंटी टू आया समझा क्या फाइव प्लस रूट थ्री फाइव माइनस रूट थ्री का प्रोडक्ट इज फाइव का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्का स्क्टी रूथ स्क्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट एक्सक्र माइनस एक्स प्लस सिक्सटी फोर माइनस टेन इज इट फिफ्टी फोर इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो कंफर्टेबल एवरी वन एवरी वन इज कंफर्टेबल विद नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक काम करो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिख देना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बोलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू जीरो वेर ए कै नॉट बी जीरो एंड क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मेट हाँ बोलो अगर हम समझो फॉर्मेट ऐसे ले एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वे प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए कैनॉट बी जीरो क्योंकि ए जीरो हो गए तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा ना यस और नो चलो बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी बाय माइनस बी बाय एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी बाय वैसे ही क्यूबिक इक्वेशन का आप मुझे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ माइनस बी बाय पक्का क्या बच्चो एंड प्रोडक्ट माइनस डी बाय डी कॉन्स्टेंट है उधर समझ रहे हैं ना इस प्रोडक्ट ऑफ रूट याद रखना बच्चों ये इंपॉर्टेंट है समझा बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन दोनों का सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट समझता है आपको कोई

वो oh, x इज लेस देन और इक्वल टू 20 है उसके लेफ्ट में है क्या ना इसे वो शेडेड एरिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 के नीचे है मतलब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 25 उधर यस और नो बट बताओ अगर जो मैंने आंसर अभी तक लिखा है ना बच्चों उसका आंसर ये है नहीं समझा आपको मतलब x इज इक्वल टू 20 के नीचे भी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20 उसके नीचे भी है

समझता है क्या बच्चों शायद आपने कभी सुना रहेगा एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इज नोन एज क्या बोलते हैं इसको इज नोन एज नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट उसको क्या बोला जाता है नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट विच रिस्ट्रिक्ट द फिजिबल एरिया इन विच रिस्ट्रिक्ट द फिजिबल एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वार्रंट विस्टिक फिजिबल एरिया या शेडेड एरिया फिजिबल एरिया इन बोलो मेरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट इज क्लियर कुछ जा रहा है दिमाग में चलो नेक्स्ट आपको लेट से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस दिख रहा है आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का है दिख रहा है क्या चलो बोलो जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है उसके इनिक्वालिटी बताओ बोलो एक्स इज ग्रेटर देन और लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्टी एंड इज़ बोलो लेस देन और इक्वल टू ट्वेंटी एट वाई उसके नीचे है ना फिजिबल एरिया अच्छा एक्स कोमा वाई ग्रेटर टू जीरो लिखना है यहां पे नहीं एक्स इज एक्स थर्टी से ज्यादा वाई ट्वेंटी एट से कम का पूरा एरिया शेडेड है कितने लोगों को समझ रहा है ईमानदारी से बताओ ठीक है सॉल्व हो सकता है क्या दो नंबर जिसका सम फिफ्टी टू है एंड डिफरेंस टू है वो दो नंबर कौन से है ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी फाइव कोई डाउट ही नहीं है?

एक्चुअली जब ये डिस्क्रिप्टिव पेपर था तो ऐसे ही सॉल्व होता रहेगा ना बच्चों अब आपने को को लेना देना है क्या कैसे सॉल्व किए क्या किए अब यही क्वेश्चन पहले हमारे एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव आता था दो मार्क के लिए तीन मार्क के लिए क्वेश्चन टू नंबर्स सम इज 52 एंड द डिफरेंस इज 2 फाइंड दोस टू नंबर्स हम लोग क्या डायरेक्ट 27 25 लिखते थे नहीं

फोर सेंटीमीटर आपको समझता है ना ये रेक्टेंगल डायगोनल वगैरह अच्छा ये रेक्टेंगल है क्या अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा कुछ रेक्टेंगल की टाइप में दिख रहा है क्या ये अच्छा बताओ ये रेक्टेंगल है अच्छा इसमें उन्होंने ये डायगोनल है क्या बताओ इसका डायगोनल कितना दिया है उन्होंने फाइव सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द साइड कितना है तो समझो ये साइड फोर है और ये आपको पूछा है नहीं समझो आपको अच्छा एरिया पूछा है चलो बट पहले अपन क्या करेंगे वो साइड फाइंड करेंगे क्या फाइन करेंगे साइड तो आप बताओ क्या डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ये फाइव है तो टेल मी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इज इट इक्वल टू फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो दो मिनट के लिए मान लो कि ये एक्स है तो क्या रहेगा बोलो फोर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देर फोर एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन देर फोर एक्स स्क्ल टू नाइन एक्स इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर्स एंड आप बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ लेंथ कितना है फिर इसका बोलो फोर ब्रेथ कितना है थ्री या थ्री इंटू फोर जो करना है करो आंसर इज ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ही ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब ही क्या बोलो स्क्वायर सेंटीमीटर समझता है ना मेरे भाई ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर या आंसर है समझा क्या कुछ सेंटीमीटर क्या है एरिया ऑफ रेक्टैंगल एरिया ऑफ रेक्टैंगल इज ट्वेल्व सेंटीमीटर कुछ ज्यादा है दिमाग में एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वेल्व स्क्वेयर सेंटीमीटर्स नेक्स्ट फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर समझो वो नंबर एक्स है वो नंबर क्या है वो नंबर का फोर्थ पार्ट मतलब क्या होता है फिर एक्स बाय फोर अरे फोर्थ पार्ट मतलब वन फोर्थ ना एक्सीड सिक्स पार्ट सिक्स पार्ट क्या होता है एक्स बायस एंड ये दोनों का डिफरेंस फोर है बोल रहे है। चलो दोनों को एक काम करो तुम ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड को ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई करो हाँ क्या आता है बोलो जल्दी जल्दी बोलो थ्री एक्स माइनस टू एक्स इजिक्वल टू फोर्टी एट दोनों साइड को ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई किया समझा क्या आपको ये तो बोलो एक्स इजिक्वल कितना आया फोर्टी एट तो वो नंबर है फोर्टी एट आपको अच्छा मुझे बताओ फोर्टी एट का फोर्थ पार्ट क्या है ट्वेल्व एंड सिक्स क्या है एट एंड एट का डिफरेंस है है या नहीं वैसे तो ऑप्शन तो से भी कर सकते थे कि नहीं नेक्स्ट टेन इयर्स अगो एज ऑफ फादर वाज़ फोर टाइम्स ऑफ हिज सन एज इस टाइप के क्वेश्चन हमने थोड़े बहुत रेशियो में भी लिए थे क्या टेन ईयर्स हेंस मतलब आफ्टर एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस द एज ऑफ इज सन प्रजेंट एज ऑफ फादर सन आर बोलो कैसे सॉल्व करना है ऑप्शन से करेंगे चलो ऑप्शन से भी कर सकते और अपन एक्स वाई से भी करेंगे चलेगा क्या समझो प्रेजेंट एज फादर का एक्स है एंड सन का वाई है ऐसे मान लेते चलेगा क्या बच्चों पहले ऑप्शन से करें क्या चलो एक काम करो पहले फिफ्टी ट्वेंटी चेक करते फिफ्टी ट्वेंटी ये प्रेजेंट एज है चलो एक काम करो दस साल पहले दोनों का एज क्या रहा था बोलो चालीस और दस तो पापा का एज सन से चार गुना है बराबर यस yes, एक काम करो अभी टेन इयर्स हेन्स दस साल के बाद क्या होगा सिक्सटी थर्टी तो पापा का एज सन के डबल है क्या सिक्सटी थर्टी यस तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑप्शन से क्लियर है ये फिर भी अपन आप सॉल्व कर रहे हैं चलो बोलो टेन इयर्स अगो तो ये प्रेजेंट एज एक्स एंड वाई है तो टेन इयर्स अगो क्या इक्वेशन रहेगा हाँ बोलो एक्स माइनस टेन का रहेगा? उन्होंने बोला कि दिस इज़ फोर वाई माइनस फोर्टी तो एक्स इजीकल टू क्या, 4Y तो क्या 4Y -30. 4Y -30 आ रहा है फोर वाय माइनस थर्टी फोर वाई माइनस थर्टी आ रहा है एक्स इजिकल टू हाँ भाई और क्या बोल रहा है टेन इयर्स हेंस तो दस साल के बाद फादर का एज क्या रहेगा एक्स प्लस टेन एंड बेटे का एज क्या रहेगा वाई प्लस टेन एंड इसके ट्वाइस बोला है उन्होंने तो इसको डबल करोगे तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए नहीं समझ रहा है नालाय को एक काम करता हूं मैं एक्स की जगह फोर वाई माइनस थर्टी लिखता हूं चलेगा क्या प्लस टेन एज इट इज एंड इधर टू आई प्लस ट्वेंटी समझा क्या बताओ बच्चों तो ये टू आई को इधर लेके आओ फोर वाई माइनस टू आई कितना बन गया

वैल्यू ऑफ वाई और नॉट एक्स वाई दोनों मिल गए जाएगी अपने को? तो क्या है बोलो नेक्स्ट नंबर ऑफ विच ये अभी वाला क्वेश्चन समझा सबको फिर या फुल डिप्रेशन समझा क्या मेरे भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या आंसर है नंबर ऑफ विच हाफ इज ग्रेटर है ना ऑफ द नंबर बाय फिफ्टीन द नंबर इज ओके

माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय टेन इज इक्वल टू फिफ्टीन तो थ्री एक्स इज इक्वल टू वन फिफ्टी एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी तो नंबर क्या है बोलो फिफ्टी और नो तो एक काम करो फिफ्टी का हाफ क्या है ट्वेंटी फाइव एंड वन फिफ्टी क्या है टेन so, yes no? तो ट्वेंटी फाइव एंड टेन डिफरेंस फिफ्टीन है एस और नो ये तो ऑप्शन से भी समझता था, था ना भाई नेक्स्ट 1.5x plus 2.4y is equal to 1.8. 2.5 into x plus 1 is equal to 7y. Have the solution. अच्छा ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं उल्टा पट ऑप्शन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसे जो तो फटाक से सॉल्व कर लेते हैं चलेगा क्या हम चलो पहला इक्वेशन बताओ जल्दी बताओ दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करो 15x 24y फोर सही है क्या एक काम करो फिफ्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर वाई इसको इक्वेशन वन बना देते चलेगा क्या सेकंड इक्वेशन बताओ क्या है टू पॉइंट फाइव एक्स एक काम करो पहले दोनों साइड को टेन से भी मल्टीप्लाई करते टू पॉइंट फाइव एक्स कट एव एक्स होगा क्या हो? बोलो वो उधर का सेवन वाई इधर आके क्या बन जाएगा माइनस थर्टी फाइव सेवनटी वाई क्या बन जाएगा माइनस इज इक्वल टू इधर लेफ्ट हैंड साइड का प्लस टू पॉइंट फाइव उधर जाके माइनस ट्वेंटी माइनस टू पॉइंट फाइव बन जाएगा बट टेन से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए क्या होगा बोलो माइनस ट्वेंटी फाइव यहां तक कितने लोगों को समझा पक्का आप बताओ आप कैसे करें करना पसंद करेंगे बताओ आप मुझे वो पहले तो एक्स ए वाला एक टम उड़ा देते वाई वाई वाला उड़ा देते क्या करूं एक्स को उड़ा देते चलेगा क्या कैसे करेंगे ट्वेंटी फिफ्टीन एंड ट्वेंटी फाइव का एक एल्सियम फाइन करो आप चले काम करते हैं। पहले इक्वेशन को दोनों साइड टेन से मल्टीप्लाई करते हो हाँ, क्या आएगा बोलो करो फटाफट बताओ वन फिफ्टी एक्स प्लस टू फोर्टी टू वन एटी दूसरे दोनों मल्टीप्लाई करो हाँ, क्या ट्वेंटी वाई इजिक्वल टू माइनस वन फिफ्टी नहीं समझा कोई अब एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन तो ये होगा माइनस ये होगा प्लस ये होगा प्लस टेल मी इज इट कैंसल तो 240 फोर्टी प्लस फोर ट्वेंटी कितना था सिक्स सिक्सटी वाई इज इक्वल टू थ्री थर्टी टू वन बाई टू वाईक्वल टू वन बाय टू चलो पुट द वैल्यू वाई इन फर्स्ट इक्वेशन हाँ बोलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते फिफ्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इंटू वन बाई टू कितना था ट्वेल्व इज इक्वल टू एटीन therefore जीरो पॉइंट फोर जीरो जीरो पॉइंट फाइव जीरो तो करेक्ट आंसर क्या है बोलो ऑप्शन बी नहीं समझा ना रहा है को कोई वन बाय टू मतलब जीरो पॉइंट फाइव जीरो है एंड ये टू बाई फाइव मतलब जीरो पॉइंट फोर जीरो है तो कुछ लोगों को लगेगा नहीं सर ये ऐसे नहीं कुछ मैं इजी कर सकता था तुम्हें तो जैसे करना है करो मेरे भाई ये सॉल्व करने का क्यों, एक ही तरीका क्या है समझ से कोई बोलेगा नहीं सर मैं पहले वाई कैंसिल करूंगा जो करना है करो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ना यार बस कितने लोगों को समझाइए नेक्स्ट अ टू डिजिट नंबर इज फाइव टाइम्स द सम ऑफ डिजिट इफ नाइन इज

डिजिट आर जस्ट अपने नॉलेज के लिए मुझे ये एक्स वाई ले सॉल्व करना है तो करना है अपने को एक्स वाई ले सॉल्व करना है तो करेंगे वो नंबर जो है उसके टेंस प्लेस पे एक्स है एंड यूनिट प्लेस पे वाई है समझो टेंस प्लेस है ये एंड ये यूनिट प्लेस है क्या है बोलो यूनिट प्लेस पे वाई ये डिजिट है तो एक्स वाई ये डिजिट है ये नंबर है ध्यान दो ना मेरे भाई कुछ तो मैं बता रहा हूँ तो कभी ना कभी तो कुछ तो फायदा होगा कि नहीं इसका अपना दिमाग थोड़ा नॉलेज बढ़ रहा है उससे फ़ायदा होगा कि नहीं और ये सोल्यूशन ये मार्क्स इसके पीछे मत भागो मेरे भाई मैं वापस बता रहा हूँ फिलासॉफी नहीं है ये सच है क्योंकि मैं तुमसे 20 इक्कीस साल बड़ा हूँ बाईस तेईस साल बड़ा हो सकता है शायद तो कुछ तो ज़्यादा ही जानता हूँ ना समझ रहा है क्या लॉन्ग टर्म में सिर्फ तुम्हारा नॉलेज काम करता है नॉट ओनली इन टीचिंग फील्ड कोई भी फील्ड में जाओ समझता है क्या दो लोग सीए बन गए एक का पैकेज आठ लाख है एक दूसरे का आठ लाख है दोनों ज्वाइन कर लिए पांच साल के बाद देखा एक दो करोड़ कमा रहा है एक का पैकेज बारह लाख है ये डिफरेंस क्यों है दोनों सी है ना बराबर है कि नही सीए तो दोनों ही है Are you understanding this? अगर डिग्री ही काम करती तो दोनों का सेम काम सेम होना चाहिए था ना है या नहीं चलो ध्यान दो यहां पे टेंस प्लेस यूनिट प्लेस समझ रहा है कि आपको ये आप बताओ बच्चो क्या न सी दिस नंबर इज टेन एक्स प्लस वाई देन अच्छा समझो एक फाइव है एंड ये फोर है तो ये नंबर फिफ्टी फोर है ना सो दिस एज गुड एज फाइव इंटू टेन प्लस फोर इंटू वन ऐसे में कुछ दिन पहले बेटी को पढ़ाया था अपने सेकंड स्टैंडर्ड की बराबर है प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट ऐसा कुछ होता है बराबर है कि नहीं फिफ्टी फोर तो आप बताओ ये टेन एक्स प्लस वाई ऐसा ही होता है ना फिर वो नंबर अच्छा बताओ अगर वो रिवर्स कर दिया गया तो क्या बन जाएगा टेन वाई प्लस एक्स उसका वैल्यू टेन वाई प्लस एक्स होगा ना क्या करने से रिवर्स होगा बोल रहा है वो नाइन ऐड करने से पहले नंबर में नाइन ऐड किया तो एंड बोला है कि क्या बोला है कि नहीं तो बता बच्चों अपने पास ये दो इक्वेशन है या नहीं है चलो बोलो इधर क्या आता है टेन एक्स प्लस वाई प्लस नहीं, सब कुछ लेफ्ट में ले लो तो टेन एक्स कितना माइनस डू यू एग्री तो राइट हैंड साइड में क्या इक्वेशन बन रहा है फाइव एक्स बोलो वाई माइनस फाइव वाई कितना था माइनस फोर वाईल टू जीरो इजिकल टू जीरो काम करते हैं। फाइव मैं एक्स की जगह पे माइनस वन प्लस वाई लिखता हूं चलता है क्या माइनस फोर वाई इजिकल टू जीरो तो चलो बोलो क्या आता है माइनस फाइव प्लस फाइव वाई माइनस फोर वाई इजिकल टू जीरो तो फाइव वाई माइनस फोर वाई कितना आता है वाई इजिकल टू फाइव एंड वाई फाइव है तो एक्स कितना रहेगा Y 5 है तो देखो बोलो ये एक्स माइनस बोलो क्या रहेगा गए माइनस फाइव इज इट इक्वल टू माइनस वन तो ये प्लस फाइव उधर गया समझाया नहीं यस और नो सॉरी वाई का वैल्यू फाइव है ना तो एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस वन तो एक्स इज कितना आ रहा है फोर देर फोर एक्स इजिकल टू फोर ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इनमें डायरेक्टली देर फोर एक्स इज इक्वल टू फोर ऐसा लिख सकता हूँ क्या तो y का वैल्यू अगर आ चुका है बच्चों तो आई कैन इजिली से x इज इक्वल टू फोर तो बताओ x फोर है, है, तो है? Yes no? बत तो है अभी तो फिलहाल बट अपने को एक समझता क्या नंबर मतलब क्या होता है कोई बोल रहा है कि भाई मेरा नंबर सेवेंटी एट है सेवनटी एट क्या सेवन प्लस एट होता है क्या भाई वो क्या होता है सेवन इंटू टेन प्लस एट सेवन इंटू टेन प्लस एट अच्छा एक नंबर सेवन एटी सिक्स है वो क्या होता है सेवन इंटू हंड्रेड प्लस एट इंटू टेन प्लस सिक्स इंटू वन समझ है आपको प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इसको बोला जाता है प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट ठीक है चलो वेदर आंसर इज फोर्टी फाइव अब ये आंसर देख के आप कभी ये बोल पाएगा कि यार मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर बताया ये देखो पागल विनोद रेड्डी उसको इतना सॉल्व करता बैठना पड़ रहा है ये मैं आपके नॉलेज के लिए दिखाया समझा क्या इसका आंसर मैं भी जानता था एक सेकंड में फोर्टी फाइव आंसर है करके इनफैक्ट पहले लाइन में क्लियर था इफ नाइन इज एडेड ऊपर की भी जरूरत नहीं थी यस और नो नेक्स्ट वेजेस आप लिखर हो गया वेजेस ऑफ एट मैन एंड सिक्स बॉयज अमाउंटेड टू थर्टी थ्री तो समझो एक मैन का वेज है एक्स रुपीज एंड एक बॉय का वेज है बोलो वाई रुपीज तो एट मैन का वेजेस क्या हो गया एट एक्स प्लस सिक्स वाई इजिकल टू थर्टी थ्री क्वेश्चन वन है एंड फोर मैन फोर मैन कितना फोर एक्स अर्न फोर पॉइंट फाइव जीरो मोर देन फाइव बॉयज तो फाइव बॉयज का फाइव वाई फोर पॉइंट फाइव जीरो इक्वेशन टू ये दो इक्वेशन सॉल्व करके एक्स एंड वाई लाओ नहीं करना है तो ऑप्शन सी भी कर सकते समझा के मैं क्या बोल रहा हूं चलो बोलो ये इसका लेफ्ट हैंड इधर दोनों से दोनों साइड इक्वेशन टू को दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए टेक्स इजिकल क्या टेन वाई प्लस नाइन एंड देखो ये समझो इक्वेशन थ्री है तो इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थ्री में दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड क्या रहेगा बोलो थर्टी थ्री माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू टेन वाई प्लस नाइन समझा क्या मेरे भाई इक्वेशन वन एंड थ्री को मैंने दोनों साइड में एट एक्स तो था ही ना तो थर्टी थ्री माइनस सिक्स वाई टू टेन वाई प्लस नाइन कर दिया तो ये वाई को उधर भेज दो तो ये सिक्सटीन वाई बन जाएगा एंड थर्टी थ्री माइनस नाइन इज इट ट्वेंटी फोर y फोर वाई इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव जीरो And y तो कितना कितना होगा आता है है सही फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके एक्स लाया मैंने समझा क्या तो एक्स इज थ्री वाई इज वन पॉइंट फाइव जीरो ऑप्शन बीक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टफ था क्या भाई ये थ्री कॉमा वन अच्छा ये ऑप्शन से कैसे कर सकते थे डायरेक्टली एट इंटू थ्री मेमोरी प्लस सिक्स इंटू वन पॉइंट फाइव मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल थर्टी थ्री आएगा देन फोर मेन फोर मेन कितना आन करते ट्वेल्व एंड सेवन पॉइंट फाइव जीरो का डिफरेंस इज फोर पॉइंट फाइव जीरो ट्वेल्व एंड सेवन पॉइंट फाइव जीरो का डिफरेंस इज फोर पॉइंट फाइव जीरो इसे भी पता चल रहा है आपने को तुम क्या दिन ब दिन स्लो होते जा रहे हो क्या समझता है ना आपने को ऐसे प्रोडक्ट वगैरह आ जाता है ना डायरेक्टली या मंद अपना कैलकुलेशन चल रहा है मंद बनना है तो फिर वो अपने को आगे जाके कहीं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्लर्क बनना पड़ेगा है कि नहीं बीएसएनएल के ऑफिस में दोपहर में जाओ उधर जाके क्लर्क बैठा रहता है शांति हर जगह पे उसको बोला भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है बोलता है क्या ओके अभी तो लंच टाइम है कल आओ समझ रहा है कि नहीं ये ऐसा मंद काम करने के अपने को आगे जाके या दूसरा रहता है जो डायरेक्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे काम कर रहा है स्टॉक ब्रोकर है समझ रहा है क्या कोई इक्विटी रिसर्च फर्म के साथ काम कर रहा है वो ऐसे इधर मोबाइल है इधर लैपटॉप है समझ रहा है ना इधर ये मशीन है इधर दर दर धर इधर काम कर रहा है ये ट्रेड ऑर्डर कर रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है पांच काम हैंडल कर रहा है साथ साथ में तो नहीं सर इतना हेक्टिक नहीं चाहिए हाँ बट सैलरी उसकी चाहिए काम उसका चाहिए सैलरी का नहीं सैलरी आपने को किसी चाहिए इसकी चाहिए दो करोड़ रुपए। काम आपने को उसका चाहिए ऐसा कि नहीं वो लाइब्रेरी में बैठे बच्चे देखेगा डिप्रेस्ड है कि नहीं ऐसे बैठते जो कोई आ रहा है लाइब्रेरी में उसका कैसे देखते हाँ लड़की कोई है कि नहीं है कि नहीं? फिर और शांति डिप्रेस्ड कैटेगरी तुमको उसमें जाना है क्या नहीं ना चलो कर रहे कंटिन्यू फिर बाकी देखो मैं आपको वापस बता रहा हूं सबसे ज्यादा ये अगर प्रॉब्लमेटिक कुछ है तो सुस्त कैटेगरी समझता क्या कौन सा सुस्त चलो नेक्स्ट ऑफ टू नंबर्स वन फिफ्थ ऑफ द नंबर इज

ऐसे बोला है क्या ये yes. बोला है एक काम करो चलो इसको दोनों साइड थ्री से मल्टीप्लाई करो क्या आता थाजिकल टू फोर्टी एट तो थ्री एक्स की जगह फाइव वाई लिखो y is equal to क्या फाइव वाई प्लस थ्री वाई फोर्टी एट एट वाई टू फोर्टी एट वाईगू कितना रहा है क्या एंड वाई इजल टू सिक्स है तो एक्स क्या होगा तो तुम बताओ कितना कितना है? तो 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 बोलो. क्या है? दो बोलो. 6, 10. 10, 6 भी चलता क्या? उसमें को है क्या? उसमें है दो नंबर कौन से पूछ रहा है ना वो यस और नो तो वेदर दो नंबर सिक्स एंड टेन है क्या वेदर सिक्स एंड टेन आर द नंबर्स टफ था ये बच्चों. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो Y is older than X by seven years. Fifteen years back, एज ऑप्शन से करे क्या सवाल ही रहा है, है चलो क्या बोल रहा है? Y is older than X by seven years. तो एक काम करो ये thirty six and forty three में seven का difference है चलो ये हो सकता है आंसर पंद्रह साल पहले दोनों का age देखो क्या है एक का twenty one, दूसरे का twenty eight. तो obviously twenty eight का three fourth twenty one है ट्वेंटी एट का थ्री फोर्थ ट्वेंटी करेक्ट है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अच्छा ये एक्स वाई लेके हम सॉल्व कर सकते थे क्या ऑब्वियसली कर सकते थे समझाए नहीं अगर समझो इक्वेशन बनाना ही होता तो क्या होता बोलो y का प्रेजेंट एज समझो वाई है तो इज इट इक्वल टू एक्स प्लस सेवन फिफ्टीन ईयर बैक ये क्या है बोलो वाई माइनस फिफ्टीन एंड एक्स का एज क्या रहेगा बोलो एक्स माइनस फिफ्टीन तो ये वाई का एज का, का बोलो थ्री फोर्थ इज एक्स का इच इसको सॉल्व करके अपन एक्सन ला सकते थे कि नहीं टफ था क्या मेरे भाई कर सकते कि नहीं सॉल्व चलो मैं आगे सॉल्व नहीं करता डायरेक्ट ऑप्शन को टिक कर दिया अपन ने सॉल्व किया तो आंसर आने वाला पता है क्या सबको ये चलो नेक्स्ट टू नंबर आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स द ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर बाय 18 तो एक काम करते चलो स्मॉलर नंबर एक्स है समझो स्मॉलर नंबर क्या है एंड ग्रेटर नंबर y है चलेगा क्या टू नंबर ऑफ स्मॉलर नंबर बाय एटीन मतलब टू एक्स प्लस एटीन नहीं समझा आपको दोनों साइड को टू से डिवाइड करो तो क्या आएगा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस नाइन लेट सेन और क्या बोल रहा है वन थर्ड ऑफ स्मॉलर नंबर तो स्मॉलर नंबर का वन थर्ड क्या है एक्स बाई थ्री एंड वन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है y by five. दोनों 21 है बोल रही तो टेल मी माई फ्रेंड्स इज इट ध्यान दे रहे हो क्या फाइव एक्स प्लस थ्री वाई इजिकल टू ट्वेंटी वन इंटू फिफ्टीन कितना रहे? 315. 15 है थ्री वन फाइव फिफ्टीन से मल्टीप्लाई किया समझ रहा है क्या आपको चलो बोलो फिर अभी फाइव एक्स प्लस थ्री y की जगह पे मैं लिखता हूं एक्स प्लस इजिकल टू थ्री वन फाइव तो बोलो ये फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन इजिकल टू थ्री वन फाइव सही है क्या करो थ्री वन फाइव माइनस ट्वेंटी सेवन जो बी आई डॉ एट एंसर इज थर्टी सिक्स तो एक्स थर्टी सिक्स है तो y क्या होगा x प्लस नाइन मतलब कितना 45. वो दो नंबर है थर्टी सिक्स एंड फोर्टी फाइव ऑप्शन द नंबर्स आर बोल रहा है तो वैसे तो ए बी कुछ भी हो सकता है टू नंबर्स आर सच दैट उन्होंने पहले ग्रेटर नंबर बोला है तो ग्रेटर को पहले लेते फिर चलेगा क्या टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्स इज द ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर एटीन बाई वन वन थर्ड ऑफ स्मॉलर नंबर वन द ग्रेटर नंबर आर टूगेदर ट्वेंटी आर तो नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना बच्चे थर्टी सिक्स फोर्टी फाइव भी हो सकता है फोर्टी फाइव थर्टी सिक्स भी हो सकता है एक काम करो ए बी दोनों को टिक कर दो ऐसा एग्जाम में होना नहीं चाहिए अगर एग्जाम ऐसा आया तो फिर थर्ड ऑप्शन ए और बी रहेगा थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा ए और बी रहेगा समझ में आ रहा है क्या बच्चों हाँ बट अगर उन्होंने ऐसा बोला होता देर फोर ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर आर तो फिर रहता या देर फोर द दे स्मॉलर एंड ग्रेटर नंबर आर ऐसा बोला होता तो थर्टी सिक्स फोर्टी फाइव होता समझा क्या आपको ये चलो बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है आप बी स्क्र माइनस फोर ए सी का वैल्यू मुझे बता पाएगी क्या बता पाएंगे क्या एंड बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी बता पाएंगे तो आप नेचर ऑफ रूट्स भी बता पाएंगे चलो बोलो फर्स्ट इक्वेशन आज का लास्ट क्वेश्चन है चलो बोलो बी मतलब माइनस एट का स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए कितना है वन सी कितना है तो इज इट सिक्सटी फोर माइनस सिक्सटी फोर इज इट जीरो तो नेचर ऑफ रूट्स बताओ रियल रैशनल इक्वल रियल रैशनल इक्वल नेक्स्ट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर हाँ बोलो मेरे भाई बी स्क्वायर कितना था माइनस एट का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है थ्री इंटू सी कितना है फोर तो सिक्सटी फोर माइनस माइनस कितना था फोर्टी एट कितना था परफेक्ट स्क्वेयर है क्या तो आंसर क्या है रियल परफेक्ट स्क्वेयर है इसलिए रैशनल अनइक्वल रियल अनइक्वल की जगह तुम डिस्टिंक्ट ऐसा भी बोल सकते हो चलो नेक्स्ट बी स्क्वायर इज इट माइनस फोर का स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए कितना है फाइव सी कितना है टोटल मीज इट सिक्सटीन माइनस फोर्टी सिक्सटीन माइनस फोर्टी कितना था है? माइनस तो रूट्स आर अनरियल मतलब ही कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी या अनरियल नंबर बोल सकते हो आप चलो नेक्स्ट बी का स्क्वायर इज इट माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है टू इंटू सी कितना है माइनस थ्री तो इज इट फोर्टी थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर कितना था है सिक्सटी आता है ना सिक्सटी परफेक्ट स्क्वायर है क्या रियल क्वल रियल इशनल एंड अनईक्वल तो जब भी आपको बी स्क्र माइनस फोर एसी का वैल्यू पता चल जाएगा आपको नेचर ऑफ रूट पता चल जाएगा क्या बच्चों पक्का तो शल सॉफ्टवेयर फॉर द डे ये रिविजन इज मेकिंग समिफरेंस और नॉट या फुल डिप्रेशन है तो ये तो शल सॉफ्टवेयर थैंक यू वेरी मच मैं कल वैसे कन्फर्म करूंगा बट अपन कल अगर हुआ तो ना बच्चों फाइव फिफ्टीन टू सिक्स फोर्टी फाइव लेते पहला लेक्चर फिर पंद्रह मिनट का ब्रेक लेके और डेढ़ घंटे का लेक्चर लेंगे साढ़े आठ तक चलेगा ना एट थर्टी तक चलेगा क्या ताकि अपना एक आ, कम से कम फ्राइडे का लेक्चर रिकवर हो जाएगा फिर ठीक है सैटरडे संडे तो अगले सैटरडे संडे रिकवर करेंगे चलेगा ना तो कल अगर हो सकता है तो चलेगा अब तैयारी रखना मैं कल कन्फर्म कर दूंगा वैसे चलेगा क्या यस थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स यस चलो बच्चों जो लोग ऑनलाइन है कल मिलते सवा पाँच बजे बाय बाय बच्चों